15/9/2020 को समालखा थाना में एक मामला आया था कि गांव खलीला के पास एक मछली का तालाब है जहां पर एक गड्ढे में इंसान को मारकर दफना दिया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच की, सीआईए 1 टीम का गठन किया इस मामले की जांच के लिए। सीआईए 1 की टीम ने इस मामले की पूरी जांच की और जब पुलिस वहां पहुंची तो गड्ढे में से शव बरामद किया गया। शव को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। जो शव है उसका पेट फाड़ दिया गया था और कस्सी से उस शव पर कई बार किए गए थे जो कि उसके शरीर पर थे। पुलिस ने जांच करते हुए बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस के जांच में पता चला कि उस तालाब में काम करने वाले एक व्यक्ति ने ही इस रंजिश को अंजाम दिया था। पिछले 6 महीनों से ये व्यक्ति इस मछली के तालाब में काम कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद आपस में कहासुनी हो गई जिस कारण युवक बहुत ज़्यादा गुस्सा गया और उसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जांच की और आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। देखिए पूरी खबर। 15/9/2020 को थाना समालखा में एक सूचना आई थी कि गांव खलीला के खेतों में मछली पालन का तालाब है, उसके पास किसी एक गड्ढे में डेड बॉडी दबी हुई है। तो इस सूचना के आधार पर FIR दर्ज करके बॉडी को निकाला गया तो पता लगा कि बड़ा ब्रूटली उसकी हत्या की गई थी। टांगें काटी गई थी, पेट का को भी बुरी तरीके से फाड़ा गया था और गर्दन में भी उसकी कस्सी लगी हुई थी। तो ये इस पर FIR दर्ज करके हमारी थाना समालखा की पुलिस और CIA 1 की टीम को हमने इसमें लगाया था। तो कल इसमें राम ऋषि नाम के लड़के को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने पर पता चला कि ये जो मछली का तालाब है वो किसी संदीप का है, देवाना गांव के। उस पर ये करीब 6 महीने से नौकरी करता था और करीब 20-25 दिन पहले जो ये मृतक है देवी सिंह नाम का, जो करनाल जिले का रहने वाला है, ये भी वहाँ पर नौकरी करने आता है। इनकी आपस में आपसी बातों को लेकर कहा सुनी थोड़ी लड़ाई टाइप सी रहने लग जाती है और फिर ये रंजिश रखने लगता है ये राम ऋषि। तो 12 तारीख को इसने, जब इनका झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया दिन के समय 3-4 बजे, इसने कस्सी कुदाला के साथ इसकी हत्या कर दी और इसको इसकी बॉडी के पैर बांध के ये नज़दीक के जो खड्डा था उसमें ले गया और वहाँ पर इसको उसकी टांगें काटी। उसमें खड्डा छोटा था, उसमें एडजस्ट करने के लिए टांगें काटी और पेट फाड़ा ताकि बॉडी इसकी, कभी इस पर तालाब में पानी आ जाए तो बॉडी ऊपर ना आए। तो इसने बड़े बुरे तरीके से उसको फिर उस पर मिट्टी डाल दी। तो कल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 दिन के पुलिस रिमांड पर कोर्ट में पेश करके इसको लिया गया है ताकि हम फर्दर उसकी जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो रिकवर किया जा सके। मर्डर करने की वजह यही थी सर, छोटे मोटे झगड़े हो गए। हाँ, झगड़े। और दूसरा एक इसने अहम बात बताई कि ये क्राइम पेट्रोल देखता था, उससे थोड़ा सा ये मोटिवेट हो गया कि भाई मर्डर करें तो उसको कैसे डेड बॉडी को छुपाएं, उससे भी मोटिवेटेड था। उसका भी बड़ा इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट। सर पिछला भी कोई रिकॉर्ड मिला है सर? पिछला रिकॉर्ड के लिए हमने लेटर भेजा है कि बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला है तो वहाँ से इसका रिकॉर्ड आएगा कि कोई प्रीवियसली कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। गिरफ्तार कहाँ से किया है? इसको खुद जो मौजूद आदमियों के सामने इसने कन्फेशन किया है, खलीला का और दीवाना गांव के 2 मौजूद आदमियों के सामने इसने कन्फेशन किया और वो लोग इसको लेके आए। मारने के बाद ये 1-2 दिन तो प्रेजेंट रहा। जब इसको लगा कि पुलिस की हरकत बढ़ गई है, कहीं तू पकड़ा ना जाए, तो ये गायब हो गया था। ये जिला पूर्णिया बिहार का रहने वाला। रिमांड पर लिया सर इसको? 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है फर्दर पूछताछ के लिए। ठीक है।